से उनका से नाडिया जी हैं। आइए हम जानते हैं उनसे इस वाल्मीकि जयंती पे जो यात्रा निकाली जा रही है इसके बारे में जानते हैं। आज जो महर्षि वाल्मीकि जयंती प्रकट समारोह आज जो हमीरपुर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, ये इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि पूरे हिमाचल प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में सतगुरु जो हमारे गुरु शिरोमणि हैं उनका प्रकट उत्सव अगले कल है। हम गुरु जन्म पूर्व आज झांकी निकाल रहे हैं और पूरे हमीरपुर जिला के लोग यहाँ इकट्ठे हैं। मेरे साथ वाल्मीकि महासभा के प्रधान यहाँ पर खड़े हुए हैं राजकुमार जी, जिनके सहयोग से ये सारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और ये जो प्रधान है बड़े कर्मठ है और उन्होंने पूरे हमीरपुर को, पूरे हिमाचल प्रदेश को एकजुट किया हुआ है। समूचे वाल्मीकि जो हैं वो गुरु के चरणों पर सीसी नमन नहीं कर रहे हैं। पूरा समाज जो दलित समाजसेवी संगठन है संयुक्त रूप से आज गुरु महाराज के चरणों में नमन कर रहे हैं। आज हम प्रदेश सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना की जाए, जो कि सफाई कर्मचारियों के जो ठेके पे काम कर रहे हैं वहाँ इनका ज़्यादा शोषण हो रहा है। अगर हिमाचल प्रदेश में सफाई कर्मचारी कमीशन बनता है तो इनकी मांगें प्रदेश सरकार तक सीधी जा सकती है और उनका निराकरण भी हो सकता है। उसके साथ ही हम लोग ये भी सरकार से मांग करते हैं कि इनको जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी दी जाए और नगर पंचायत, नगर परिषद या नगर पालिका में संख्या के अनुपात में सफाई कर्मचारी रखे जाएं, क्योंकि सफाई कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। एक एक सफाई कर्मचारी 15-15 सफाई कर्मचारियों का काम कर रहा है क्योंकि संख्या बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। जो पहले सफाई कर्मी रखे गए थे उस समय जनसंख्या बहुत कम थी, अब जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, काम में वृद्धि हुई है। तो हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण मांग है और ये हमारे वाल्मीकि सद्गुरु जी को एक श्रद्धांजलि होगी कि सफाई कर्मियों की सारी समस्याएं वरीयता से दूर की जाए, इनके आवास की समस्याएं दूर की जाए। बहुत सी भूमि है जिनके ऊपर 100-100 साल से इन्होंने मकान बनाए हैं परंतु अभी तक वो कब्जे नियमित नहीं हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का से आग्रह करना चाह रहा हूँ, गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि जितनी भी सफाई कर्मचारियों की कॉलोनियाँ हैं, अनधिकृत कॉलोनियाँ हैं, उन्हें कानून ला कर के वैधता प्रदान की जाए ताकि सभी तरह की सुविधाएं ये नागरिक भी उठा सके। जो सारे समाज का गंद उठा रहे हैं उनको सुविधाएं उठाने के लिए भी जो है पुरस्कृत किया जाए, तो सारी सुविधाएं इन्हें दी जाए और विशेष सुविधाओं का प्रोविजन किया जाए ताकि इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें और अच्छे से अच्छे जॉब लें और बढ़िया पेशा करें। ये हम सरकार से मांग करते हैं। धन्यवाद।